मेरे रसूल फरमाते अला उनबी हुकुम भी अकबरिल कबायर, सहाबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं। अर्ज किया का इरशाद फरमाइए, अल इशराकु बिल्ला अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वाकुकुल वालिदैन वालिदैन की नाफरमानी करना, वकौलु ज़ूर झूठी गवाही देना, बड़े गुनाहों में जवानों एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिर्मिजी की रवायत अबू हुरैरा रावी बाबुल फित्र में यह रवायत मौजूद है, मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराओ उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, वज़लज़लातिन जलजलों का, इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? इज़्ज़तु खिज़ल फ़ाउ दुवलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा, वल अमानत मगनमन जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा, वस ज़कात मगरमन मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, वतुअल्लिमु लिगैरिद्दीन उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे, व आता रजुलु इमरातुहु आदमी बीवियों के फरमा बरदार होंगे, व अक्का उम्मुहु माओ के नाफरमान हो जाएंगे, व अदना सदीकहु दोस्त के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे, व अक्सा आबाहु बाप के साथ बदसुलूकी करेंगे, व शुरिबतिल खुमूर शराबे आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा, फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी, फिर क्या होगा? जलजले आएंगे, फिर क्या होगा? इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा, फिर क्या होगा? आसमान से जाला बारी होगी। कब जवानों? जब माँ बाप दुखी हो जाएंगे। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला हो जाएंगे, फिर रहमत खुदाबंदी रूठ जाएगी और उसके जुजवी अजाब का इजहार आपने चंद अय्याम पहले एक कश्मीर में झटका और वो झटका यहां भी लगा था, वहां झटके ने थोड़ा सा जोर पकड़ा, सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हुए, अरमान कुचले, एक झटका 2005 में लगा था, मानसेरा से जिला बाग तक 1,00,000 इंसानों की हड्डियां तोड़ गया था। ये जुजवी अजाब संभलने का मौका देते हैं। ओ माँ बाप के नाफरमानो, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, अगर खुदा की रहमतें रूठ गई, ये कोड़ा अजाब का पहाड़ों में चला तो तोड़ के रख दिया, ये अजाब का जो कोड़ा अगर पंजाब में बरसा, ये दौड़ती गाड़ियां, ये फलक बोस अमारते, ये बंगले, ये प्लाजे एक ही झटके में वो खाक में मिला देगा। साहिब, माँ बाप की नाफरमानी इतना बड़ा गुनाह है कि खुदा की रहमत रूठ जाती है, उन्हें जमीन में खींच के ले जाएगा। मेरे रसूल से एक सहाबी ने पूछा, बंदा नवाज कयामत कब आएगी, कोई निशानी? इरशाद फरमाए तो आका फरमाते जब माएं जलील हो जाएंगी। और ये घर घर की कहानी है। मुझे एक खातून मिली, उतरा हुआ चेहरा देखा, मैंने कहा बहन खैरियत? फूट फूट के रोने लगी, कुछ आंसू थमे तो मैंने कहा बताएंगे कुछ? तो मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है, मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। फरमाया जब औलाद नलायक हो जाएगी तो खुदा नाराज हो जाएगा। मैंने ये बातें की तो उसने मेरी बातें सोशल मीडिया पे सुन ली, मेरी दोबारा मुलाकात हुई, मैंने फिर उतरा हुआ चेहरा देखा, मैंने कहा बहन उस जालिम ने फिर मारा? कहा उसने दुखी नहीं किया, तूने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? कहा तेरी बातें मैंने सुनी है, सामने हजारों लोग बैठे थे और मुझे खौफ सा आने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। और मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मार रहा है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है? मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप बड़ी दौलत है यार। हुजूर फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमलन रसूलुल्लाह ने हमें करके भी दिखाया। आप मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं, ताहदे नजर असहाब है, ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है, यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं, हुजूर मुसल्ले पे खड़े हैं और हुजूर को बिछड़ी माँ याद आ गई और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। यार मिसाल से अर्ज करूंगा, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरजू करता है काश कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये सर पे इज्जत की दस्तार देखते। मेरे दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद पेश की तो आंखें बरसने लगी। मैंने कहा भाईजान ये खुशी के आंसू हैं या माजी की कुछ तलखियां हैं? उसने कहा एक जमाना था कि मेरी माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बैठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बैठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, मां नहीं है। मैं 1900 शाहिद भाई भी आगे बात करें, मैं 1997 में किबला रजा साकी मुस्तफाई साहब के पास दीन सीखने गया। जब मेरी उंगली हजरत के हाथों में हाथ दी तो मुझे फरमाती बेटे मेरी आरजू है कि जिस तरह
ये अल्लाह रसूल की बातें लोगों को सुनाते हैं, तू भी इन राहों का मुसाफिर बने। ये ख्वाब था उनका, 2 साल बाद वो अल्लाह के पास चली गई। हम राजी भर रजा हैं, जो भी आया है उसने जाना है, लेकिन जाने वाले याद बड़ा आते हैं। वो क्या किसी ने कहा था, मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर जिंदगी बड़ी अधूरी होती है, और बिलखसूस ये जो माँ बाप होते हैं बहुत बड़ी दौलत है। ये ख्वाब देखा, मैंने दौड़ लगा दी, मैंने जिंदगी में बड़ी इज्जतें पाई हैं, पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, इज्जत से नवाजा गया हूँ, लेकिन कभी कभी आरजू मचलती है मेरी माँ होती। मैं लोगों को रसूलुल्लाह की बातें सुनाता और वो पर्दे में बैठ के मुझसे हुजूर की बातें सुनती तो मेरा कद किस कदर बढ़ जाता। इंसानी फितरत है भाई, वो ढूंढता है उन रिश्तों को। इंसान को जमाना याद आता है ना, कभी गुर्बत की लकीर पे खड़ा था, अचार से रोटी खाते थे, कभी लस्सी में वो नमक मिर्च भिगो करके उससे ही रोटी खा लेते थे, और आज दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने फल है। ढूंढता है इंसान उन बूढ़ों को, काश होते। कभी कोई मोहल्ले में नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया में शोहरत है। कभी पास साइकिल नहीं था, आज जहाजों के सफर है। तो इंसान तलाश करता, काश वो होते तो मैं उनकी इज्जत करता, मैं उनके कदमों में बैठता हूं, उनकी खिदमत करता। जवानों ये बहुत मेरे रसूल को मां याद आई, मुसल्ले पे खड़े हैं। हुजूर की वालिदा कब बिछड़ी, जब हुजूर की उम्र 6 साल थी। अबवा नामी एक छोटी सी बस्ती है जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आकर के रुक जाती हैं, और आपको बुखार ने आ घेर लिया। आप जान गई कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुंचा देना, और फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना वाना मैततुन वज़िक्रा बाकिन वबलत्तु तुहरा। फरमाया, बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया, बेटा मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखर गए। हुजूर मां से लिपटे लिपट के रोए, और फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक मां नजर आती रही, हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने सैयद आमिना के मजार की 2 दफा जियारत की है। ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है, मुकामे बदर से 85, मस्तूरा से 25। मैं पहली दफा हाजिर हुआ तो पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश है, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, यकीन जानो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हों। ऐसा लगता था कि जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। उम्मे ऐमन कहती, मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, जब नीचे आई तो पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती, मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर मां के सराहने खड़े हैं, और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। हुजूर मुसल्ले पे है, बिछड़ी माँ की याद आई। हुजूर सहाबा से फरमाते, काश के आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाज़े इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात कर चुका होता। मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके कहती, इब्ने मोहम्मद, बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते, मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता। बहुत बड़ी दौलत है माँ बाप, इनकी कदर करो जवानों। ये एक बार आते हैं दोबारा नहीं आएंगे। मेरा कहना है यार, माना तुम शादी के बाद बहुत मसरूफ हो गए, बच्चे हैं, घर वाले हैं, कारोबार है, यार कम अज कम 1 घंटा तो अपने माँ बाप के लिए मुख्तस रखो। आप 1 घंटा माँ बाप को तो उनके पांव दबाओ, उनके साथ गपशप लगाओ, उनसे दिल की बात करो, उनसे मशवरा लो, उनके लिए तहाइफ लाया करो, उनके लिए फूल लाया करो, उनके लिए कपड़े लाया करो, उन्हें बाहर से खाना खिलाने ले जाया करो, कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो। ये बूढ़े नहीं मरेंगे अगर आप तवज्जो दोगे, ये बूढ़े मरते उस वक्त है जब औलाद तवज्जो नहीं देती। आप आज से ही अपने माँ बाप को वक्त देना शुरू कर दो तो ये बूढ़े नहीं मरेंगे। हमें गलती लगी,
हम समझते हैं शायद कि हम जो महाना या हफ्ते बाद 500,000 रुपया देते हैं इसलिए हमारी राहों में बैठे होते हैं, और धोखा लगाया हमें, इन्होंने जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है और वो सारा पैसा आप भी खर्च किया होता है। ये आपके पैसों के भूखे नहीं होते जवानों, ये आपकी तवज्जो के भूखे होते हैं। आप माँ बाप के कदमों में बैठा करो, इनके कदमों में बैठ के यकीन जानो 10 मिनट गुजार के देखो, आप ऐसे लगेगा फिजाओं में हम उड़ रहे हैं। इज्जत चाहते हो तो इनके कदमों में रहो। एक दो बात गुफ्तगू समेट लेता हूं, बड़ी अहम और बड़ी जरूरी बातें हैं। देखिए वालिदैन चले जाएं तो इंसान आरजू करता है काश वो होते तो खिदमत करते, अभी मैंने इतनी बातें सुनाई, और आरजू मछली जिनके माँ बाप नहीं है, काश के होते तो हम खिदमत करते। किसी ने वासिफ अली वासिफ से कहा कि माँ बाप अगर ना हो तो बंदा उनके साथ हुस्न सुलूक करना चाहे तो कोई अमल वजीफा है, बहुत बड़ा वजीफा है, अपने साथ ले जाइएगा, अपनी जिंदगी में इसको जगह दीजिएगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं माँ बाप ना ना हो तो पूछिए जो वो अपनी औलाद छोड़ जाते हैं ना, तो फरमाए उनके साथ हुस्ने सुलूक किया करो। देखिए इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे, कुछ भाई गरीब होंगे, कितना ही अच्छा है कि अमीर भाई अपने गरीब भाई की कफालत ले ले, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। अमीर भाई के दस्तरखान पे अनवाओ अकसाम के खाने फल होते हैं, बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे डाल दिए जाते हैं, रूढ़ी पे फेंक दिए जाते हैं, और दीवार के मुत्तसिल भाई का घर है, उसके घर में फाके हैं, बच्चे रोते हैं बिलकते हैं, भाई को परवाही नहीं होती। मैं उस शख्स को जानता हूं जो 5 फैक्ट्रियों का मालिक है, उसी फैक्ट्री में उसका भाई मुलाजिम है, भतीजे भी गालियां दे लेते हैं। कितना ही अच्छा था कि 10-20 लाख रुपया भाई को लगा के कारोबार दे देता ताकि वो भी इज्जत की रोटी कमाता, लेकिन हमारी आरजू होती है कि ये सारी जिंदगी हमारा मोहताज रहे। और कितना ही अच्छा है इस मजमे में अगर कोई भाई अमीर है तो वो अपनी गरीब बहन की कफालत ले ले, ऐसा भी नहीं होता। गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई के तेवर देखने वाले होते, वो कहता तुझे जुर्रत कैसे हुई है, तू अपनी औकात तो देख, तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती और राजक तू है। हमारा कहना है बहने वली बना देती है, ये अच्छी लगती नहीं लेकिन ये भाइयों के हक में अच्छी बड़ी होती है। माँ बाप ना ना हो तो बहनों के हाथ भाइयों के लिए हमेशा उठे रहते हैं, और बहनें मां का रूप होती हैं यार, इनसे राबते में रहा करो। लेकिन ये हमारे घरों में 6-6 महीने भी ना ना आए तो हमें कभी इनकी याद ही नहीं आई। ये तो बेचारी माँ बाप के बाद अगर छुट्टियों में भाई के पास रहने आ जाए ना तो 2 दिन बाद वो वापस घर चली जाती, भाई के तेवर ही ऐसे होते। कैसे भाई हो यार, तुम्हें बचपन का जमाना भूल गया, तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगती थी, तुम्हारी भलाई लेती थी, आज तुझे बहन की याद ही नहीं आती। लोग हमसे मसला पूछते मौली साहब बहन तोहफा दे तो ले लेना चाहिए, तोहफा क्या मांगते हो, जमीन मांगते हो, बहन देगी तुम्हें जमीन, वो जानती थी अगर मैंने जमीन ना ना दी तो भाई हमेशा के लिए मेरे साथ रास्ता खत्म कर लेगा। भाई 10 जो ना वो नफरत का 10 सिखा के जाता है कि फूफो को मुंह नहीं लगाना, मैं मर गया तो इसको मेरा मुंह ना दिखाना, और उससे 5 करोड़ की जमीन हथिया ली, तोहफे में ले ली, और तुम्हें कभी उसकी याद भी ना आई, कभी उसे अपने पास भी नहीं बुलाया। ये मेरे नबी की सुन्नत है कि बहनें जब घर आए तो उनको खाली हाथ ना मोड़ो, उनकी झोलियां भर के भेजा करो। लेकिन हमारा बहनों के साथ रابطہ, और मैं सवाल करूंगा आप लोगों से, बच्चों के दिल में खाला का प्यार होता है, फूफो का क्यों नहीं होता? रिश्तों की कदरें सिखानी चाहिए, यह बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के दिल में खाला का प्यार है, फूफो का क्यों नहीं आता? मेरे बच्चों की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहनें आए तो मेरे बच्चे फूल लेके इस्तकबाल करते हैं। अपनी बहनों को इज्जत दो, और एक बात याद रखिएगा, जिस घर में बहन बेटी खुश नहीं रोती हुई घर से जाएगी उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे।